एक और आ गया तो अपने पत्ते छोड़ के ये जरूर आते हैं कि क्या खा रही है मम्मी जो है उनको चेक करने के लिए। दोस्तों तो ये चावल पालक और कुछ दाना यहीं पे रखा है, बार बार खोद खुदाई कर रही थी। और ओ देखो दोस्तों हमारी असील मुर्गी ने भी अंडा दे दिया है। लो जी पानी पीने लगी मुर्गी और मुर्गा भी आ गया। गर्मी बहुत है, मॉर्निंग का टाइम है दोस्तों और हमारे नन्हे मुन्ने सारे बाहर आ गए हैं जी। अभी अभी इनको पालक जो है फ्रेश लेकर आया मैं, तो सबसे पहले अपनी रानी को दिया जी। और आप देख सकते हैं रानी कितने प्यार से खा रही है। देखो जी अभी क्या हुआ, जो ये पेटी है नीचे गिरी हुई थी और सारे के सारे हमारे जो है छुटके सारे नन्हे मुन्ने जो है इसके अंदर थे और पूरा का पूरा जो इनका घर है वो खाली था। ये देखो जी एक तो रानी के साथ अपनी माँ के साथ खाना खा रहा है, एक और आ गया तो अपने पत्ते छोड़ के ये जरूर आते हैं कि क्या खा रही है मम्मी जो है उनको चेक करने के लिए। देखो एक ही है वो, देखो जी मेरे नजदीक आ गए। ये देखो वाह क्या चाहिए, आजा आजा क्या हुआ। तो अभी एक दो तो अंदर, एक को आप देखेंगे जी सामने, वो देखो जी वो अपने ही अलग ही उसमें मजे में लगा हुआ है। वो देखो जी वो रोटी खा रहा है, बाकी कुछ पत्ते खा रहे हैं, कुछ रोटी यहाँ ले आई है रानी, इसको साइड में वहां पर दी थी। एक ये पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। बच्चे जो है अब ज्यादा ही जिज्ञासु हो चुके हैं जी। जिज्ञासु को क्या बोलते हैं, एक्साइटेड बहुत हुए हुए हैं जी, देख सकते हैं आप तो एक्साइटेड हो रहे हैं हमारे नन्हे मुन्ने। ये देखो जी ये अंदर ही आ गया कुछ नई नई चीजें डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ये तो हमारा मॉर्निंग तो वैसे ही गुड हो जाती है जी जब इनके साथ जो टाइम बीतता है तो बड़ा मजा आता है दोस्तों। तो सारे के सारे हमारे नन्हे मुन्ने उछल कूद कर रहे हैं, मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली से ये जो है प्यार भरे पल जो है आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो देख सकते हैं जी अंदर भी आना शुरू हो गया, अब डर है क्योंकि बेड के नीचे जगह बहुत कम है, अब ये अंदर नहीं आने चाहिए है ना अंदर नहीं आने चाहिए अदरवाइज जो है दिक्कत हो जाएगी, निकलेंगे नहीं और पकड़ के निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये नन्हे मुन्ने हमारे जी मॉर्निंग का अपना नाश्ता कर रहे हैं, कुछ दिन की देर है, थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि ये ऊपर उछल के जो है ऊपर छत पे भी जाने लगेंगे अपने घर के। तो दोस्तों आज जो है हमारा प्लान है कि मैं जो हूँ कुछ देर में भी तैयार होके जाऊंगा मार्केट में और जो है अपने बर्ड्स के लिए कुछ नए बर्तन खरीद के लाऊंगा, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो व्लॉग में जरूर बने रहना दोस्तों, तो मिलते हैं जी कुछ देर बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं गया था मार्केट से, तो ये मैं चार बर्तन लेकर आया हूँ जी, मैं पास से आपको दिखाता हूँ एक बार। तो काफी दूर गया था मैं लेने के लिए, तो ये देखो जी पहले तो ये है इसकी गहराई जो है वो इस तरह से कम है और चौड़ाई में ज्यादा है। ये बर्तन जो है हम खाने के लिए दे सकते हैं क्योंकि मुर्गियां जो पैर मारकर नीचे गिरा देती हैं अपना खाना, देखा होगा आपने जो प्लास्टिक के हमारे बर्तन है, तो इसकी चौड़ाई काफी ज्यादा है और काफी अच्छा है, ये मजबूत बर्तन है। तो इस तरह के दो लाया हूँ जी, कुछ एक अपना छोटी साना के लिए और एक हमारे असीलों के लिए जो यहाँ घूमते रहते हैं। दूसरा दो ही बर्तन पानी के लिए लेकर आया हूँ जी, ये गहरे हैं और भारी हैं तो इनमें से पैर मारेगा परिंदा तो जल्दी से गिरेगा नहीं। और दूसरा मिट्टी के बर्तन का ये फायदा रहेगा कि जो है जितनी मर्जी धूप हो इसमें पानी ठंडा रहेगा। तो आइए चलते हैं जी अंदर और देते हैं अपने बर्ड्स को। तो एक तो हम पेयर भारी रख देते हैं और एक अंदर लेके चलते हैं जी, तो ये और ये अंदर लेके चलते हैं। बाकी दोस्तों हमारा राजा जो है वो देखो जी वो बैठा हुआ है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है दोस्तों। आज आप मौसम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, बहुत मतलब अभी 1 बजे का टाइम है और धूप जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है। यहाँ रिदु भी आई है हमारे साथ स्कूल से, पेपर हो चुका है रिदु का, हेलो करो। हेलो। तो आप सभी को हेलो कर रही है। तो आइए चलते हैं जी, तो आइए जी दोस्तों अंदर चलते हैं। ये देखो जी यहाँ पे मेरे इंतजार में हमारी छोटी सेना ऑलरेडी खड़े हैं। लो भी तुम्हारे लिए नए बर्तन आ चुके हैं, ये वाला जो है थोड़ा सा छोटा भी था और नीचे जब ये छोटे छोटे थे तब से इस टिफिन जैसे मतलब बॉक्स में हम देते थे इनको खाने को। मैं खाने को ले आऊं, प्लेट और पानी जो है बाहर रह गया दोस्तों। तो ये चावल पालक और कुछ दाना यहीं पे रखा है, पानी बड़े बर्तन में लेके आया हूँ क्योंकि ये बर्तन बड़े हैं, इनमें थोड़ा सा पानी भी ज्यादा आएगा। हाँ जी चावल दे देते हैं जी। लो जी काफी बड़ा बर्तन है, पास से दिखाना, तो काफी बड़ा है जी, इसमें काफी चावल आ गए हैं और छोटी सेना मजे से खाते हैं हमारे चावलों को, देख सकते हैं जी। तो कुछ रखे हैं जी, ये देते हैं अपने असील को और राजा को देंगे पालक। सुबह भी दे गया था पालक, ज्यादा भी देना ठीक नहीं है क्योंकि इससे जो है इनका मोशन भी लूज हो जाता है। तो आओ जी बाकी के हमारे जो असील है, तो ये असीलों को भी देंगे जी चावल, वैसे इनको बाहर ही निकालूंगा मैं। और दोस्तों हमारी जो असील मुर्गी है वो बार बार जा रही थी अंदर, तो मैंने जो यहाँ से पेटी उठाकर ऊपर रख दी थी, बाकी देखते हैं दोस्तों। आ जाओ इनको बाहर निकालना था,
ओहो, एक मिनट पहले मुर्गी को बाहर निकाल दूं मैं। चल 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 बेटा, चल 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 चल, आजा। मुर्गा भी आ गया है जी अपने आप ही। चलो 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 भाई, ये बाहर चले गए हैं जी हमारे पैर। और दोस्तों पेटी में देखना चाहता हूँ आज जरा, पेटी में बार बार खोद खुदाई कर रही थी। और ओ देखो दोस्तों, हमारी असील मुर्गी ने भी अंडा दे दिया है। तो दोस्तों ये तो बड़ा अलग ही वो हो गया जी, मैंने एक्सपेक्ट इससे भी नहीं किया था ना, जैसे और मुर्गी हमारी करकर की आवाज करती हैं। और दोस्तों जिस तरह से हमारी छोटी सेना करकर जैसे कर रही है, आप सुन रहे होंगे कि अंडे जो है बॉडी में बन रहे हैं, प्रोसेस होता है तो पता लग जाता है इस तरह से। पर हमने जो असील मुर्गी से ऐसा कुछ भी नहीं, ना उसने कोई ऐसी आवाजें की ना कुछ। और दोस्तों फर्स्ट एग उसने लेकर दिया है जी, और नई मुर्गी है जो हमारी है, और ये देख सकते हैं आप, तो हमारी असील मुर्गी का फर्स्ट अंडा आ चुका है जी। ये देखो दोस्तों, अंडे का साइज काफी बड़ा है, हमारी छोटी सेना से अंडे का जो साइज है वो काफी हद तक बड़ा है जी इसका। तो हमारी असील मुर्गी ने फर्स्ट एग दे दिया है दोस्तों, तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमारी बेंटम जोड़ी भी दे रही है अंडे, और असील ने भी शुरू कर दिए। तो मैं इसलिए ज्यादा खुश हूँ कि अगर ये साथ साथ, मैं सोच भी यही रहा था कि अगर साथ साथ अंडे देंगी, असील मुर्गी हमारी कुड़क होती है, तो हम बेंटम के अंडे भी असील के नीचे रख देंगे और अपने तो होंगे ही होंगे, तो दोनों तरह के हमारे घर में चूजे आ सकेंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ जी। तो अब मुझे लगता है एक पेटी तो मैंने ऊपर रख दी, तो अब नीचे के लिए भी मुझे एक और पेटी हम आज बनाकर अंदर रख देंगे। तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है दोस्तों। तो मैं अंडे को संभाल के पहले यहाँ पर रख देता हूँ कॉली में, इसको ले जाकर जो बॉक्स बनाया है मैंने उस पर हम मार्कर से लिख रहे हैं, तो इस पर भी मैं नंबरिंग भी डाल दूंगा और लिख भी देंगे, तो अच्छे से मेंटेन रहेगा, पता रहेगा कि किसने कौन सा अंडा दिया है। तो बर्तनों में बढ़िया से खा रहे हैं, पानी भी इसमें काफ़ी हद तक अच्छा आ गया है जी। यहाँ पर हमारी बेंटम जोड़ी है, आज इन्होंने कोई अंडा नहीं दिया दोस्तों, तो सोच रहा हूँ इनके लिए भी कोई छोटा सा, या तो जिस तरह कबूतरों के लिए एक छोटी प्लेट होती है, या ऐसा कुछ ढूंढ के लाएंगे जिसके अंदर हम थोड़ा सा तूड़ी रख दें और इसमें अंडा जो सेफ रहे। तो मैं जो हूँ थोड़े से चावल ले लेता हूँ जी, इसमें डाल देता हूँ। पालक मैंने सुबह दिया था इनको, अपने बेंटम को जो पेयर को पालक दे दिया था, तो लो जी, तो ये भी इसमें लगा देता हूँ। चलो भाई खा लो। तो कुछ देर में इनको बाहर निकाल के दोस्तों हम जो है बड़े जाल में भी रख देंगे, डाल देंगे, क्योंकि धूप ज़्यादा तेज़ आ जाती है। हाँ जी हाँ जी, मुर्गा पकड़ूँ? कोई नहीं पकड़ेंगे। तो जी ये वाला जो हमारा पेयर है, धूप अभी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा होगी, दिन का टाइम है तो इस पे ज़्यादा धूप पड़ती है और जो है ये गर्म होने का चांस है। तो इनको मैं निकाल कर इस जाली में, जाल में रख दूंगा, डाल दूंगा और उसको वहाँ रख दूंगा ताकि इनको ज़्यादा गर्मी ना लगे जी। इसके बाद सबको पानी देंगे, तो इनको जो है जी पानी दे देता हूँ, दाना इनको काफ़ी दे दिया था, लाना पानी अनु। लो जी, तो छोटी सेना के बर्तन में पानी डाल दिया, इधर भी डाल दो, लाओ। तो ये कबूतरों के लिए है जी, इसमें पानी रख देते हैं थोड़ा, इनको भी प्यास लगी होगी, दिन का टाइम है। लो भाई पियो, चलो भाई पियो। लो जी पानी पी रहे हैं अपनी सेंटिनेंट की जोड़ी का, जो पानी है वो बर्तन मैंने यहाँ रखा था, देना थोड़ा सा धो लेते हैं इसको पहले। लो जी इसमें भी पानी दे देते हैं जी अपनी सेंटिनेंट जोड़ी को, तो इनको तो काफ़ी बहुत सारा दाना दे दिया था जी खाने के लिए। ये लो जी मुर्गा कुकड़ू कर रहा है जी, अंदर पहुंच गया है, गर्मी लग रही है इनको शायद। और सेंटिनेंट के जोड़ा की हमारे को इनकी भी जल्द उम्मीद है दोस्तों, और अब इनका वेट है कि कब ये अंडा देंगे। सेंटिनेंट जोड़ी भी हमारा जो है पेयर लग चुका है, मैंने आपको बताया था कि ये भी एक हमारे लिए खुशखबरी है, और हमारे सेंटिनेंट जोड़ा जल्द से जल्द अंडा दे ताकि यहाँ पे हमारे इनके भी जो है बच्चे हमारे घर में आ सके दोस्तों। तो बड़ा खुशी का माहौल है दोस्तों, हमारी सील ने भी अंडा दे दिया, बेंटम भी पेयर अंडा दे रहा है, और जी और जो है सेंटिनेंट का हमारे जोड़ा लग चुका है। तो ये न्यू अपडेट है जी हमारे यहाँ पेट्स की, जो आपको बतानी थी दोस्तों। बाकी असीलों को भी दे देते हैं जी खाने को। चलो जी असीलों को और राजा को, राजा आ गया अंदर, तो असील और राजा को हम पालक दे देते हैं, असीलों को चावल दे देते हैं जी बाहर चल के। लो जी चलो इसको अंदर करना, बंद कर लो, आ जाओ बेटा। ये देखो जी मेरे पीछे पीछे आने शुरू हो गए, ये देखो इनको पता है, वो भी आ गया मुर्गा भी। लो जी मैंने चावल रख दिए हैं जी इसमें असीलों के लिए, धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है जी आज, अभी से ही चावल रख दिए मैंने छाया में बर्तन में इनके, और पानी भी दे देता हूँ, मुर्गा ऑलरेडी वहाँ पर है जी। तो ये भी बड़ा प्यारा पेयर है हमारा, सील के भी हमारे जो है फर्स्ट एग आ चुका है, तो अब बहुत जल्द जो है मैं चाहता हूँ कि मुर्गी जल्दी कुड़क हो और अंडों पर बैठे और बच्चों को निकाले। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा दोस्तों मेरा, बचपन में हमने मुर्गियाँ पाली थी
पापा मम्मी पालते थे तब मैं बहुत छोटा था, बट अब जो है मेरा शौक पूरा करने का जो है एक मौका मिला और आप सब लोगों का सहयोग मिल रहा है, मैं इसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका दोस्तों। तो ये खा रहे हैं जी चावल, थोड़ा थोड़ा खाते, इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं अब तो, थोड़ा मुर्गी खाने भी लग गई, वरना जब लाए थे तभी सिर्फ रोटी ही खाते थे। तो पानी भी रख देते हैं इनके बर्तन में, धूप काफ़ी ज़्यादा तेज है तो पानी जो है बर्ड्स के पास हमेशा पड़ा रहना ही चाहिए। इस बर्तन का फ़ायदा ये रहेगा, भारी है पानी रहेगा इसमें, तो इधर पी ले बेटा। ओहो इसको प्यास लगी है, ले आजा, ले ले इधर आजा, ले लो जी बर्तन रख दिया है बर्तन में पानी, पानी भी यहाँ छाया में रख देता हूँ मैं, ये लो जी यहाँ ले आजो, इसमें है उधर पी ले जा, इसको पता नहीं लग पा रहा है अभी, इसी बर्तन में बार बार चोंच मार रही, जाओ 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 वहाँ जाओ पियो उसमें, वो देखो पानी है, लो जी पानी पीने लगी मुर्गी और मुर्गा भी आ गया। गर्मी बहुत है तो बर्तनों में आपके जो है पानी ऑलवेज रहना चाहिए, एक बारी को खाना थोड़ा इधर उधर हो जाए पर पानी जो है गर्मियों में ज़रूर रखें दोस्तों, परिंदों के लिए हर समय पानी रहना चाहिए। उधर देखो जी मुर्गियाँ शायद अंडे देने के लिए, वापस एक मुर्गी तो बैठ भी गई है आप वहाँ देख सकते हैं, तो मेरे ख्याल अंडा दे देगी ये दोस्तों। ये जो प्लाई है मैं सोच रहा हूँ कि इसको जो है मैं इसके ऊपर अपने सेटअप पे यहाँ पे डाल दें, ताकि जो है गर्मी जो ज़्यादा ना लगे इनको, थोड़ी सी वो कुछ हद तक ऑब्जर्व कर लेगी अपना और नीचे जो छत थोड़ी सी बची रहेगी, ये भी जल्द ही करेंगे हम दोस्तों। तो दोस्तों ये था जी हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के बर्ड्स परिंदे सब ठीक होंगे और आपका शौक भी अच्छा चल रहा होगा। तो मिलते हैं जी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, ओके बाय।